दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि सर्वर डाउन, सर्वर पर लोड आ गया और ऐसी सर्वर से जुड़ी कई बातें आपने सुनी होगी और पढ़ी होगी। तभी आपके मन में यह ख्याल जरूर आया होगा कि आखिरकार ये सर्वर होता क्या है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सर्वर के बारे में आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जब हम फोन में कोई फोटो लेते हैं तो वह फोन में स्टोर हो जाती है और लंबे समय तक स्टोर रहती है। उसी प्रकार जब कोई जानकारी इंटरनेट पर चढ़ाई जाती है तो वह सर्वर में स्टोर रहती है। इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपने 2010 में फेसबुक में अकाउंट बनाया और 2010 के बाद आप लगातार उसमें पोस्ट डालते आ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आप अपनी सभी पोस्ट को कभी भी देख सकते हैं, चाहे वो इमेज या वीडियो आपके फोन के स्टोरेज में से डिलीट हो गई हो। तो कभी आपने ये सोचा है कि फोन में से डिलीट होने के बाद भी वो डाटा फेसबुक पर स्टोर कैसे रहता है? तो दोस्तों डाटा फेसबुक के सर्वर में स्टोर रहता है, अर्थात वो डाटा फेसबुक के स्टोर डिवाइस में स्टोर रहता है। और ऐसा ही दूसरे सभी प्लेटफॉर्म पर होता है, जैसे ट्विटर पर किया गया पोस्ट, इंस्टाग्राम पर किया गया पोस्ट, व्हाट्सएप की हमारी गतिविधियाँ, ये सभी डाटा अपनी अपनी कंपनीज के सर्वर में स्टोर रहता है। यहाँ तक कि आप गूगल पर जो सर्च करते हैं, आप किस किस की पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, किसे आपने सब्सक्राइब कर रखा है, ऐसी सभी छोटी से लेकर बड़ी एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन इन सर्वर में स्टोर रहती है, परंतु ऐसी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाती है। तो अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये सर्वर वर्क कैसे करते हैं। दोस्तों इन सर्वर्स में ऐसे सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं कि यूजर की डिमांड के अनुसार उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए। इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपने गूगल पर सर्च किया कि ताजमहल कहाँ है, तो गूगल का सॉफ्टवेयर अपने सर्वर में उपलब्ध ताजमहल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने ला देता है, और यह वही इंफॉर्मेशन होती है जो लोग अपनी अपनी साइट्स ब्लॉग्स पर चढ़ा कर रखते हैं, जो कि गूगल के सर्वर्स में स्टोर रहती है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिरकार सर्वर डाउन या क्रैश कैसे होता है। तो दोस्तों जब किसी भी पोर्टल या साइट पर ज्यादा लोग एक साथ विजिट करते हैं तो उस पर लोड पड़ जाता है, जिससे वह स्लो हो जाता है या फिर क्रैश हो जाता है, और इसे ही सर्वर डाउन होना कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस सर्वर के बारे में काफी कुछ पता चला होगा, और यदि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा देखते रहने के लिए आपके अपने चैनल IMT को सब्सक्राइब कीजिए। IMT को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।